Hello, once again, I welcome you all to this video lecture series. आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और FME के एग्ज़ाम में अगर यूनिट वन में आप देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो वो आपका ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। इसीलिए आज के इस लेक्चर को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हमको पढ़ना है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। दो क्वांटिटी हमने पढ़ी थी, मैंने बताया भी था आपको फर्स्ट क्लास में कि ये जो दो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये दोनों प्रॉपर्टी का हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे। ये मैंने आपको पहले ही लेक्चर में, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था। तो चलिए देखते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है, कैसे बनता है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं और क्या हमें इसमें सीखना है। तो दो एक्सिस, आप सभी को पता है कि एक कर्व बनाने के लिए दो क्वांटिटीज होना जरूरी है। फर्स्ट क्वांटिटी इज स्ट्रेस, प्रतिबल, और स्ट्रेन, विकृति। हमने ये दोनों के बारे में पहले पढ़ लिया है, जो नहीं पढ़े हैं वो लेक्चर को जा करके देख लेंगे। तो जब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कर्व बनेगा उस कर्व को हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं। होता क्या है कि एक बार एक माइल्ड स्टील का ऐसा टेस्ट स्पेसिमेन लिया जाता है और इस टेस्ट स्पेसिमेन को टेस्टिंग मशीन के बीच में रखा जाता है, यूटीएम, या फिर जो स्ट्रेस स्ट्रेन को बनाते हैं, आगे पढ़ेंगे कौन सा है। तो वहाँ पर फिर इसमें बल लगाया जाता है, स्ट्रेस लगाया जाता है और स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में कर्व ड्रॉ होता है। ये जो कर्व है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं सोचना है, बस ये कर्व को पढ़ लेना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कर्व जो है पॉइंट ओ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, और पॉइंट एफ तक जाएगा। इन सारे पॉइंट्स का अपना अपना सिग्निफिकेंस है और हर एक पॉइंट के बीच में ट्रेस किया हुआ कर्व कुछ चीज़ों को बताता है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें। सबसे पहले ओ टू ए, आप देख रहे हैं कि ओ टू ए एक लीनियर, एक प्रोपोर्शनल लाइन है, एक बोल सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन कर्व है। और कोई भी स्ट्रेट लाइन कर्व किसको दिखाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनैलिटी को। वहाँ पर जो डेविएशन है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से हमको एक समझ में आ रहा है कि जीरो टू ए जो है, या अप टू पॉइंट ए, वो कैसा रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा। इसीलिए पॉइंट ए को क्या बोलते हैं, हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रिलेशन है, जो इस एरिया पर, यहाँ पर ये जो ओ टू ए का जो एरिया है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जो बन रहा है, ये दिखाता है कि स्ट्रेस मतलब सिग्मा एंड स्ट्रेन ई आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और हुक्स लॉ, या हमने कहाँ पढ़ा था इसे, हुक्स लॉ में, हुक का नियम हमने पढ़ा है, और हुक के नियम में ये लिखा हुआ है कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इक्वल प्रोपोर्शनल होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, समानुपाती होंगे। ए पॉइंट को लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहा जाता है। ए पॉइंट पे आने के बाद क्या होता है, जब वो बी पॉइंट पर जाएगा तो बी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में बहुत ज्यादा आपको डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा डेविएशन है, बट पॉइंट बी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थ सीमा कहा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस सीमा तक, अगर पॉइंट बी तक हमने इस बार के जो फोर्स लगाया हुआ था उस फोर्स को हटा दे तो बार वापस अपने मूल रूप में आ जाएगा, उसमें कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा, विकृति उसमें स्थायी नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि बार जो है वो क्या है, बी पॉइंट तक इसमें है, इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक लिमिट पे है, प्रत्यास्थता सीमा पर है। अब आगे देखते हैं पॉइंट बी टू सी। तो सी और डी आपस में जुड़े हुए हैं दोनों। सी जो है उसे हम अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं और डी जो है उसे हम लोअर यील्ड पॉइंट बोलते हैं, पराभव बिंदु इन्हें कहा जाता है, उच्च और निम्न। तो सी पॉइंट बी टू सी आने पर आप देख रहे हैं कि कर्व जो है वो डाउन की ओर, नीचे की ओर झुकता है। इसका मतलब स्ट्रेस जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है, और स्ट्रेन जो है वो बढ़ाने पर स्ट्रेस की वैल्यू कम हो रही है, मतलब प्रतिबल उसका घटता जा रहा है। प्रतिबल घटने का मतलब यह है कि जो बॉडी है हमारी, जो कि बार है, वो अपने जो विकृति को परिवर्तन करने के लिए जो बल लगा रहा है, प्रतिबल लगा रहा है, उसमें कमी आ रही है, लेकिन स्ट्रेन जो है, विकृति जो है, वो उसकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये जो सी है ये अपर यील्ड पॉइंट कहलाएगा, पहले पढ़ाइए सी,
और डी जो है ये लोअर यील्ड पॉइंट कहलाएगा, निम्न प्रभाव बिंदु। अब हम चलते हैं डी पॉइंट पर। डी पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं कि कर्व जो है वो वापस ऊपर राइजिंग कर्व हो गया, ऊपर की ओर उठता हुआ दिख रहा है। तो जब भी कर्व ऐसा ऊपर की ओर उठता दिखे, इसका मतलब जो है वाई एक्सिस जो है हमारा वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पॉइंट डी पर जा करके ये कर्व जो है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस के वैल्यू उसमें बढ़ने लगेगी, स्ट्रेन को जब हम बढ़ा रहे हैं। स्ट्रेन जैसे जैसे बढ़ रहा है स्ट्रेस का मान भी बढ़ रहा है, प्रतिबल का मान बढ़ रहा है। यहाँ देखे थे बी से डी आने पर प्रतिबल का मान अब घटने लगा था, लेकिन अब उसके पूरा विपरीत हो गया है। डी पॉइंट से लेकर ई पॉइंट तक प्रतिबल का मान जो है वो बढ़ने लग गया है, स्ट्रेस जो है वो बढ़ने लग गया है। लेकिन ई पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, ई पॉइंट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट, उच्चतम या अधिकतम प्रतिबल बिंदु इसे कहा जाता है। ई पॉइंट पर क्योंकि आप देखिए कि कर्व में सबसे उच्च जो स्ट्रेस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो स्ट्रेस की है वो कहाँ पर है, ई पर है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, सिंपल सा है, मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट कहा गया। और एफ पॉइंट पर एफ पॉइंट जो है उसे ब्रेकिंग पॉइंट कहा गया। अब थोड़ा सा यहाँ समझना है, डी पॉइंट से ई पॉइंट तक क्या होगा, स्ट्रेस का मान बढ़ेगा, विकृति जो है वो कब बढ़ाने पर स्ट्रेस भी बढ़ता जाएगा, प्रतिबल बढ़ेगा। लेकिन ये जो मैक्सिमम इसका पॉइंट आएगा, उस मैक्सिमम पॉइंट के बाद ये जो स्ट्रेस है वो क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, फिर से वो बी टू डी वाला कर्व को वापस रिपीट करेगा। और इस बीच क्या होगा, एफ पॉइंट पर आते आते, एफ पॉइंट पर क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट लिखा हुआ है। तो जब ई टू एफ आएगा तो इसमें देख रहे हैं कि विकृति तो बढ़ रही है लेकिन प्रतिबल का मान घट रहा है, और यहां से क्या होने लगता है, जो इसका यहाँ पर का जो एरिया है, ये जो एरिया है जब ये कुछ पहले जो है वो बड़ा था, जैसे जैसे उसे खींचा जाएगा तो इसका जो बीच का जो ये बिंदु है, ये जो एरिया है बीच के, ये क्या होते लगेंगे, कम होने लगेंगे। और कुछ एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, इसे नेकिंग पॉइंट कहते हैं, गर्दन के आकार का वो बन जाता है नेकिंग पॉइंट। पॉइंट एफ को ब्रेकिंग पॉइंट कहा जाता है। यहाँ से ई से जो है हमारा जो बाल है वो क्या हो जाएगा, नेकिंग की तरफ बढ़ेगा, उसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बीच से क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, और एफ पॉइंट पर जाने के बाद वो ब्रेकिंग पॉइंट पर आ जाएगा, यहाँ पर इसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमें क्या पता चला, कर्व जो है वो दो प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाएगा। सबसे पहले एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद डिक्लाइनिंग या डिक्रीज इन स्ट्रेस, देन इंक्रीज इन स्ट्रेस, देन अगेन डिक्रीज इन स्ट्रेस। तो ये जो कर्व है, ये छह पॉइंट आपको याद रखना है, ए टू एफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं के आधार पर आप इस कर्व को बना सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी शायद समझ गए होंगे, मैं सारे वर्ड्स हिंदी में भी आपको बताया। आप इस वीडियो को जरूर देखिए, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आता है, ये सीधा सा एक स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो हमें इसे सीधा अपने हिसाब से समझा देना है। आपको नोट्स में इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में मिल जाएगी। तो आई थिंक ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप सभी को इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो टॉपिक है वो देखेंगे, कुछ टेस्टिंग्स देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।